अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पंजाब व्लॉग्स। जनाब आज तो मॉर्निंग की चास आ गई है। मॉर्निंग की चास फिर उमर भाई की छुट्टी है, फुल ऐसी जैसी छोड़ के लेटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद चाय आ गई है। ठीक है, चाय आ गई है और साथ में उमर भाई ने नाश्ते के लिए मायोनीज वाले सैंडविच मंगवा लिए। ये थोड़ा प्रोटोकॉल दे के तो मैं तो निकलूँगा काम के लिए। उमर भाई आप क्या करेंगे? मैं फिर सो जाऊंगा। आज क्या करेंगे? साथ सिर्फ सोना है ना? सोने का मन है। आए ना, चलते हैं। नहीं नहीं, चलते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जा सकता। चलें जी, अभी मैं नाश्ता वगैरह करके निकलूंगा, फिर आगे देखते हैं क्या सीन सिनेरियो है। उमर भाई की पर चास है भाई, आज उमर भाई चास ले गए। ये जी रिम नाम का एरिया है, चेक करें आप कैसा बना हुआ है। अरे मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी जगह पे, यकीन करें। बड़ा सुकून माहौल है। गर्मी है पर कल से तारों ने थोड़ी गर्मी कम हुई है। आज भी गर्मी थोड़ी कम है वैसे पिछले दिनों के साथ अगर कंपेयर करें तो, पर फिर भी इनकी हिम्मत है, इन बाइक राइडर्स की हिम्मत है। बाकी आप चेक करें, और ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना, ठीक है। बाकी उमर भाई की दुआ छुट्टी है, उमर भाई स्कूल ले रहे हैं घर पे, और उसके बाद जो सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया अच्छे से बेहतरीन हो के, उसके बाद बाकी उमर भाई इंजॉय कर रहे हैं। आज कह रहा था अब सोने का टाइम है 12-1 बजे, फिर उठना शाम को 5 बजे, तो नींद वगैरह पूरी करेगा। बाकी कल आज रात को फिर उसकी हालत देखने वाली होगी। अब मोटी यार सुबह ड्यूटी भी जाना है, चलें देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। तो अभी मैं चाय के लिए आ गया हूँ शुरू कल वर्द कैफेटेरिया में, क्योंकि अभी JBC आना हुआ, तो मैं कहा चलो चाय वगैरह पी लें, चाय भी लाजमी है। ठीक है, तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, साथ देखते हैं क्या है इनके पास क्या नहीं, और उसके बाद नेक्स्ट सीन सिनेरियो करते हैं। चाय हमारी आ गई जनाब, चाय चाय चाय। ब्रदर समोसा है आलू वाला छोटा? कोई भी नहीं है, कोई रोल कुछ? केक है, रस केक। नहीं बस ठीक है बेटा। चाय हमारी आ गई है जनाब जी, तो वेलकम बैक, और अभी घर के लिए वापस निकल रहे हैं। अभी घर पहुंच के फिर देखते हैं, मोटी की तो आज छुट्टी है तो मोटी पीछे रिलैक्स कर रहा होगा, देखते हैं क्या बनाया मोटी ने, खाने में क्या सिस्टम है। मोटी मतलब खाने का शौकीन है, खाना बनाना उसको पसंद है, शौक है उसको, ये काम आपको पता शौकिया होते हैं। तो देखते हैं मोटी ने क्या बनाया होगा, उसके बाद जाके मोटी के साथ गप शप लगाते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह ख्याल करे तो, अल्लाह ने चाह तो कल रात को अली भी आएगा, तो उसके लिए चलो हम तो एक्साइटेड है ही हैं कि भाई आ रहे हैं, पर मोटी भी बहुत एक्साइटेड है। देखते हैं मोटी ने परसों छुट्टी का क्या प्लान किया हुआ है, जाके गप शप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी, जनाब घर पहुँच गए वापस पूरे दिन की मेहनत के बाद, थकन के बाद। यहाँ की यही जिंदगी है बस, सुबह निकला हूँ और अभी वापस कर रहा हूँ 13-14 घंटे बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाए जी। जनाब आ गए हम,
सुना ठीक है, शुक्र ये उमर भाई है जी, ये सचू मोटी है जी, ये सचू है जी, ये मोटी है जी, ये सचू है, देखे इसका मुंह देखे कितना सोना। अच्छा जी उमर भाई खाने में क्या बनाया? खाने में पोटे, पोटे पोटे मींस गजल, गजल हाँ गजल बनाई है मैंने, गजल आज खाएगा तो चास आएगी। गजल को गली वाली हाँ वो गजल वीडियो है हाजरी गजल। चलो खैर है वायरल होगी ना। हाँ अच्छा उसके बाद अच्छा पोटे गजल गजल नहीं गजल अच्छा जो भी है तो सही बने। और कल का क्या प्लान है? अली भाई आ रहे हैं, अली भाई आ रहे हैं तो फिर उधर जाना, आपने खुद बोला बेसब्री से इंतजार नहीं अली भाई का? मुझे अली से सबनी ऑफ का इंतजार है, जो ऑफ मिले ना मिले इसकी टेंशन लगी, इंतजार नहीं है बस अली का, अली देख ले नहीं अली तेरा इंतजार है मुझे बात नहीं है। यहाँ पे वो तो जो पाकिस्तान वाला मोटी नहीं मिलने वाला, नहीं नहीं वही मिलेगा तू टेंशन ना ले, ये वो मोटी नहीं है, वही हूँ मैं, नहीं मैं वही हूँ, देख ले इसका बदल गया बस यारा, अली का डिमांड नहीं किया करना भी नहीं चाहिए, नहीं यारा देखे क्या बने, ये साथ देख कैसा स्लिम एंड स्मार्ट जनाब। ये उमर भाई ने बनाया हुआ पोटे कलेजी, हम जैसा कहते हैं पाकिस्तान में, पर इसमें कलेजी नहीं है सिर्फ पोटे हैं, सिर्फ पोटे हैं, इधर साहब कलेजी अलादा मिलती है पोटे अलादा मिलते हैं, तो हम शौक से खाते हैं पोटे पोटे, तो फिर हमारे लिए तो ये एक अच्छा है कि हम पोटे बना के, देखने में तो आप लोगों को खुद ही पता लग रहा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं मैंने ना बताया उमर भाई को कुकिंग का शौक है इसलिए उमर भाई को के करते हैं। ये तो है जी। तो जनाब खाना खाना डन हो गया, चाय वगैरह पी ली है, पी चुके हैं हम लोग चाय, अभी इंतजार है अभी सोएंगे क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है, सख्त बिजी आ रहा है, अभी इंतजार उसका, एक्साइटमेंट भी है इसी तरह, बिल्कुल एक्साइटमेंट तो ऐसी है कि मैं मोटी मोटी बहाने सोच रहा है छुट्टी के लिए क्या क्या बहाने, क्योंकि आज अपनी छुट्टी खलास कर बैठा है, और हमारी तो कल छुट्टी है कोई चक्कर ही नहीं है, कल नहीं परसों छुट्टी है, परसों छुट्टी है ना, कल होगी, कल होगी थर्सडे होगी, और खाना शाना खाया, चाय शाय पी है, बेहतरीन खाना बहुत मजे का बना हुआ था मोटी, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं। देखे मेरा मुंह पूरा आ रहा है वो आपको बात, मैंने ये राजी पहले पहले थोड़ा नहीं नहीं मैंने मोबाइल थोड़ा से ऑफ में रखा हुआ ना, आप पूरा आने चाहिए ना, मेन तो आप करेक्टर है ना, अब हम भी सोते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ और अली भाई के साथ, अल्लाह हाफिज़, अली भाई के साथ, अल्लाह हाफिज़।